तो गाइस आ चुका है PUBG मोबाइल का 3.3 अपडेट है और इसी अपडेट का हम लोग करने वाले हैं PUBG टेस्ट है हमारे iPhone XR पे जो कि iOS 18 के बीटा पे चल रहा है। बीटा 3 पे है मेरा iPhone XR और BGMI गेम प्ले हमने बहुत कर लिया है iOS 18 के बीटा वर्जन पे। तो अभी PUBG गेम प्ले करेंगे और देखते हैं कि PUBG गेम प्ले कैसा हो रहा है iOS 18 के बीटा 3 पे। और न्यू अपडेट आ गया है तो और ज्यादा मजा आने वाला है, तो देखेंगे भी कंपेयर करके कि BGMI और PUBG कौन सा बेटर है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मेरे को एक्सपीरियंस होगा। और आप लोग बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो, 79% पे मेरे XR की बैटरी हेल्थ आ चुकी है। तो बीटा 3 अपडेट करने के बाद में 1% बैटरी हेल्थ गिर गई और ऐसे ही होता है भाई, बीटा वर्जन पे कभी भी बैटरी गिर जाती है। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से करते हैं अपना PUBG मोबाइल टेस्ट स्टार्ट। तो कहीं से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% मेरे XR की बैटरी हो रही है और टाइम हो रहा है 11:10। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और आपको कहीं पे भी लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करना और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए हमको आधा घंटा हो चुका है और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 77% पे और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:42 हो रही है, यानी कि मेरे को खेलते हुए 32 मिनट हो चुके हैं। तो देखा जाए तो इन 32 मिनट में इस आधे घंटे में जो कि हमारी बैटरी गई है PUBG मोबाइल के 3.3 वर्जन में वो गई है 23%। और देखा जाए ना तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लग रहा था कि 20-21 ऐसे ड्रेन होगी, बट आधे घंटे में iOS 18 के बीटा वर्जन पे iPhone XR में 2-3% बैटरी हमारी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है। और मेरे को यहाँ पे VPN भी ऑन करना पड़ा था, मतलब करीब 10 मिनट बाद मैंने VPN ऑन कर लिया था क्योंकि टीममेट्स को मेरी आवाज नहीं जा रही थी, मैं एक फ्रेंड के साथ में खेल रहा था तो इस वजह से VPN कनेक्ट करना पड़ा, तभी आवाज जाती है क्योंकि PUBG कोरिया में। तो बैटरी तो यहाँ पे हमको आधे घंटे में सही देखने नहीं मिली है, ज्यादा ही ड्रेन हुई है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस का भी सेम ही हाल है, मेरे को लग रहा था कि परफॉर्मेंस यहाँ पे मेरे को अच्छी देखने मिलेगी और अच्छी देखने मिली भी, मतलब BGMI से तो स्मूथनेस ज्यादा ही थी बट मेरे को लैग भी काफी देखने मिल रहा था जबकि मैं लो टियर पे था, शायद मैं प्लेटिनम टियर पे अभी, बट बंदे तब भी अच्छे आ रहे थे और लैग तब भी हो रहा था हॉट ड्रॉप पे कूदने पे। अब मैं लैग वाली क्लिप आपको ज्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को मिली नहीं रही थी, लेकिन लैग मेरे को बहुत देखने मिला था और खासकर तो हॉट ड्रॉप पे भाई बड़ा गंदा मेरा लैग हुआ था 2-3 बार। और हीटिंग भी मेरे को पहले से ज्यादा देखने मिल रही थी, मतलब BGMI जैसे ही देखने मिल रही थी। अब पहले से ज्यादा मतलब कि जब मैं PUBG 3.2 अपडेट का टेस्ट कर रहा था तब उतनी हीटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अभी उससे बहुत ज्यादा हीटिंग हुई। तो कुछ ऐसा था मेरा आधे घंटे का एक्सपीरियंस एंड अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा गेम प्ले कैसा होता है, लैग होता है या फिर नहीं होता और मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी खराब होती है ये भी देखते हैं। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो
गाइस फाइनली हमको यहाँ पे खेलते हुए वन हार हो चुका है, एक घंटे से ज्यादा ही हो चुका है। और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 49% पे और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:20 हो रहे हैं और हमने खेलना चालू किया था 11:10 पे, तो यानी कि 1 hour and 10 minutes मेरे को हो चुके हैं, 1 hour and 10 minutes हो चुका है। और इतने देर में PUBG मोबाइल के 3.3 वर्जन पे iOS 18 पे जो कि हमारी बैटरी गई है iPhone XR की, वो गई है 51%, यानी कि आधे से 1% ज्यादा। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा तो भाई बैटरी ना यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रेन हुई है 1 hour and 10 minutes में, मतलब 50% तो ड्रेन नहीं होनी चाहिए थी अगर मैं 10 मिनट ज्यादा भी खेल लिया। मेरे हिसाब से PUBG मोबाइल में 40-42% ऐसे ड्रेन होनी चाहिए थी बैटरी, क्योंकि पहले भी जब मैंने गेम प्ले किया है, मतलब कि PUBG के 3.1 अपडेट पे, PUBG के 3.0 अपडेट पे, PUBG के 3.2 अपडेट पे, तो हमारी बैटरी ऐसे ही गई है, आपने देखा ही होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, 35, 34, 28 भी गई है, 29 भी गई है। तो मेरे हिसाब से तो भाई 51% बैटरी ड्रेन होना PUBG मोबाइल वर्जन में बहुत ज्यादा है। और रही बात परफॉर्मेंस की कि हीटिंग कितनी हो रही थी और लैग हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे, तो देखो मेजर लैग तो कहीं भी नहीं हो रहा था, जो कि बोलते हैं ना बहुत गंदा वाला लैग हो रहा है, तो वैसा वाला लैग तो मेरे को देखने नहीं मिला, लेकिन हर 1-2 मिनट में हल्के फुल्के से फ्रेम ड्रॉप मेरे को देखने मिल रहे थे। और हीटिंग भी यहाँ पे मेरे को BGMI जैसी ही देखने मिल रही थी, BGMI से ज्यादा ही हीटिंग हो रही थी ऐसे मेरे को लग रहा था। अब भी कार चलने के 2 रीजन मेरे को लग रहे हैं कि एक तो ये कि कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और कल भाई बहुत ज्यादा गर्मी थी, हद से ज्यादा गर्मी, और मैं रात के टाइम में आ रहा था ना, मेरे को खुद पसीना आ रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से हीटिंग ज्यादा हो रही हो और इस वजह से परफॉर्मेंस खराब मिल रही हो। और एक और रीजन मेरे को VPN का लगता है कि VPN की वजह से पिंग हाई जा रही थी, तो क्या पता उस वजह से कोई सीन हो रहा हो। और बाकी जो अभी नया इवेंट मोड दिया है ये मेरे को काफी पसंद आया, पानी के नीचे पहली बार दिया है और लूट वगैरह भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रही थी, एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे थे PUBG मोबाइल के एज कम्पेयर टू BGMI। और ऐसा नहीं है कि फ्रेम ड्रॉप और लैग हो रहा था तो इस वजह से स्मूथ एनिमेशन नहीं मिल रहे थे, स्मूथ एनिमेशन बहुत ज्यादा थे, मतलब अगर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है ना 2 सेकंड के लिए तो उसके बाद स्मूथ भी हो जा रहा था बहुत ही अच्छे से, जो कि BGMI में नहीं होता है। लेकिन हाँ अगर मैं परफॉर्मेंस के मामले में रेट करूँ तो बिल्कुल BGMI जैसी ही परफॉर्मेंस मेरे को देखने मिली, बस BGMI में सर्वर इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे अब, और इसमें सर्वर इश्यूज नहीं होते, बाकी तो सेम ही मेरे को लगा एकदम। और स्मूथनेस को ज्यादा मान लो तो उसको भी अलग रख सकते हैं, बाकी मेरे को कोई तो यहाँ पे डिफरेंस अब की बार नहीं दिखा कि PUBG मोबाइल बहुत ज्यादा आ गया है और BGMI बहुत ज्यादा पीछे है, तो ऐसा मेरे को नहीं लगा अब की बार, जबकि अभी तक जितने भी अपडेट आते थे ना तब तक तो भाई ऐसे ही लगता था कि PUBG मोबाइल पता नहीं कहाँ चांद पे पहुंच गया और BGMI कहाँ धरती पे रह गया। और बाकी अगर आप PUBG मोबाइल खेल रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। और यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, बस 7% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय। Yeah.